अच्छा जी, अब हम इनके लगा रहे हैं लैश। अच्छा बेस हमने वही रखी है जवेरिया की? नहीं नहीं, मैं चेंज करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आई मेकअप करूँ। अच्छा पहले आई मेकअप करेंगे फिर बेस। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, क्योंकि आप बेस लगाने के बाद जब आई मेकअप कर रहे होते थे तो आपका आई मेकअप सारा बेस पे गिरता था, उसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा बेस लगानी पड़ती थी, उसको छुटा रहे हैं फिर। और आपको याद है कि मैं हमेशा से पहले भी आपके भी पहले आई मेकअप करता था, बेस लगाता था। मुझे लगता है कि ज्यादा नीट हो जाता। मेरा मेकअप अब ऐसे ही होता है पकड़। हाँ। पहले हमारा आई मेकअप होता है, फिर मैं आई मेकअप रिमूवर से आंखों के नीचे जो गिरा होता है वो साफ करती हूँ, उसके बाद फिर मेरी बेस लगती है। अच्छा, मैं लैश का भी तरीका बता दूँ घर में जो लगाने के लिए अगर चाहे। हाँ। तो लैश की जो वायर होती है उसके अब जो फ्रंट एरिया है उस पे आपने जाम लगाना है। इतनी देर लगा, ये देखिए जो इसका लैश, जैसे ये लैश है नजर आ रही है। हाँ, ये लैश है ना। अब लैश की जो अपर एरिया है यहाँ पर आप लगाइए, और उसके अंदर की साइड भी लगाइए ताकि आपकी अच्छे से स्टिक हो सके। अच्छा। और ग्लू लगाने के फौरन ही बाद आंखों पे ना लगा दे, उससे इतना मेस हो जाता है क्योंकि आंखों के अंदर भी ग्लू चला जाता है। ग्लू को थोड़ा सा स्टिक होने दें, थोड़ा सा थिक होने दें। ठीक है, अभी क्योंकि कोरोना है इसलिए मैं फूके नहीं मारता। हाँ। मुझे फूके मारने में मजा आता है दूसरों पर। अच्छा जी, आज जब मुझे पता था ना कि जवेरिया है तो मेरा मूड आज वैसे ही बहुत अच्छा था, मैंने कहा आज तो मजा आएगा। आप यकीन करें मैं और जवेरिया अगर साथ बैठे हैं तो हम शायद देखो फिर आगे तुम्हारे हाथ गंदे 8 घंटे भी हम ना बातें कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल तुमने बारीक सी लैश लगाई, बिल्कुल बारीक सी। और जवेरिया, क्योंकि मैं जवेरिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कि इसकी आंखों को, आंखें सेंसिटिव हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कोई थिक बेस और कुछ बहुत नेचुरल लुक दे रही है, बहुत नेचुरल सा लुक है, बहुत फाइन लैश है। शुक्र है इतनी नहीं है, मैं टेंशन में थी, डबल चिन ना। नहीं नहीं, वेट कम करूंगी अब, बहुत खा लिया जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, जब से पराठे। मैंने तो सोचा छोड़ दिया, आप एक मौजे का इंतजार कर रहा हूँ। इस दौर में मौजे नहीं होते बेटा। सुबह आप मेरी खुले देखो, ओह वाओ, पतला ये मुझे क्या हो गया, तो खा भी देखो भाई। तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो वकास। हाँ, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मुझे भी लोग कहते हैं अगर मैं पतली हो गई तो मेरे फेस की मासूमियत चली जाएगी। नहीं नहीं, आप पहले पतली थी, ऐसे नहीं कर रहे हैं यार। अभी ना पता है, मैं टीपू सुल्तान देख रही थी। हाँ। टीपू सुल्तान नहीं किया था मैंने। हाँ। वो तकरीबन मेरे ख्याल 98 में किया था आई थिंक। हाँ। तो वो मैंने देखा तो मैं अपना छोटा भाई हुमायूं लगी। वो अब वैसा ही है, उसकी दाढ़ी साफ करो, बिल्कुल वही शक्ल और इतना पतला मुंह यार निदा। हाँ यार, मुझे याद है, बीमार लग रही थी मैं उसमें। देखिए मैंने लैश लगा दी। हाँ। और लैश मैंने बहुत थिक नहीं लगाई है। हाँ। बहुत फाइन लैश लगाई है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे जो है वो इतना हमने कोई आई शेडो लगाया नहीं था। हाँ। तो अंडर आई पे कोई इतना आई शेडो है नहीं, ठीक है। तो आपने तो आई शेडो लगाया ही नहीं, आपने मुझे लगाया था ब्राउन आई शेडो, वो पहले लगाया था। जी जी, दोबारा दिखा दें एक मिनट कि वो कौन सा कलर लाइट टेम उठा के लगा, दिखाना। तो अब आप दोबारा और आई मेकअप नहीं कर रहे, आपको लग रहा है मैं आई मेकअप तो मैं प्रॉपर कर रहा हूं। अच्छा, अब अभी हमने जो इससे पहले लुक दिया था उसमें हमने ये वाला लगाया था। जी ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो है क्योंकि हम मिलाद में जा रहे हैं और मिलाद सेलिब्रेशन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ। तो हम तो बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ। और देखिए आप प्राइमर की वजह से कितनी स्मूथ लग रही है। हाँ। हाँ। बहुत प्यारा कलर है, सूट कर रही था। अच्छा, अब ये तुमने कौन सा कलर लिया वो तो मुझे दिखाओ। मैंने हल्का सा एक मरून कलर, ये मरून वाला, और बहुत सॉफ्ट ही है, बहुत ज्यादा ये वाला कलर है वकार, देखो ये आगे मैंने ब्राउन एंड मरून का वो कॉम्बिनेट किया। अच्छा, मुझे ना खाली एक चीज लगाने में मुझे मजा नहीं आता, मुझे ब्लेंडिंग में मजा। अच्छा, तुमने ये इसकी आंख की हड्डी जो है उसके ऊपर दिया ये शेड, और बहुत सॉफ्ट भी दिया है। हाँ। अच्छा, उसके बाद अब मैंने ना हाईलाइटर नहीं लगाया इनके। हाँ। ठीक है, अब जो मैंने इनके पाउडर लगाया था। हाँ। वही पाउडर लेके मैं हाईलाइटेड एरिया पे लगा के इसको सॉफ्ट कर दूंगा। पाउडर जो इनके जो मैंने कोई भी कॉम्पैक्ट जैसे, उसके लिए कोई वो नहीं कि ये लगाया ये वो नहीं, कोई भी कॉम्पैक्ट आपने लिया। हाँ। इसको सॉफ्ट कर दो। सॉफ्ट कर दिया। अब हम अंदर जो कलर लगाएंगे। हाँ। वो हम थोड़ा सा गोल्ड ही सेलिब्रेशन है। हाँ। थोड़ा सा गोल्ड कलर भी अच्छा लगेगा, पिंक अच्छा लगेगा इसमें। हाँ। मैं गोल्ड की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि इस पे गोटे का काम भी हुआ है इसके कपड़ों पे, तो जो अंदर पूरा पोर्शन है उस पे तुम गोल्ड दे रहे तो वैसे ही सॉफ्ट लुक देगा वो। उससे क्या होगा कि इतनो गोल्ड से तो सॉफ्टनेस आ जाएगी, और क्योंकि मैंने जो मरून कलर लगाया था उससे एक डेफिनेशन, मतलब वो मरून की लाइन तुमने पहले बना के, जैसे हम आउटलाइन बनाते हैं ड्राइंग करते हुए फिर उसके अंदर कलर फिल करते, बिल्कुल ये ऐसे ही हो गया है मेकअप का तरीकेकार करने का, कि पहले आउटलाइन बनाई और उसके बाद अंदर फिलिंग की है, फिलिंग कर दिया। हाँ, अब वो मरून कहीं कहीं से नजर आ रहा है, जहां जहां हमें डेप्थ देनी है। ठीक है, अच्छा अब मैंने जो मरून कलर लिया था उसी कलर को मैं थोड़ा सा दोबारा लूंगा। ठीक है, ठीक है। और जो मैंने मेकअप में ना लाइंस बहुत बुरी लगती, बुरी लगती, ठीक है, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। तो देखिए जो मैंने मरून लगाया था उसी के साथ में इस गोल्ड को ब्लेंड कि वो मरून की एक लाइन फुट्टा खींचा, मतलब होता है ना स्केच ना नजर आएगी हुआ, अब वो ब्लेंड कर दिया इसको उसी मरून को, क्योंकि मैं उस वक्त ये कहती हाय इसने कैसे छोड़ दी ब्लेंडिंग, अब वो मुझे पता चला गोल्डन कलर लगाने के बाद दोनों को ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड कर दिया। इसमें तो आईब्रोज दोगे ना भाई? जी जी मैं बिल्कुल दूंगा, अभी हमारे पास में टाइम है तो इसलिए मैं प्रॉपर एक चीज करके आपको दिखाऊंगा। ये और तुमने थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड करने के बाद फिर एक और हाथ तुमने गोल्ड का लगाया। अब हमें दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा हम ग्लिटर भी लगाएं। ईद मिलाद नबी है, बिल्कुल क्यों नहीं। तो मैं लाइनर लगाने से पहले ग्लिटर लगाऊं? अच्छा, लाइनर लगाने से पहले, क्योंकि अक्सर लाइनर लगाने के बाद जो ग्लिटर लगाई जाती है तो वो लाइनर के ब्लैक कलर पे आ जाती है, जाती है बिल्कुल, तो वो फिर बुरी लगती है। ये देखिए ना कौन सी चीज पहले लगनी है कौन सी चीज बाद में लगनी है, ये आपको सिखा रहे हैं, आपने खुद करना है, तो आपके खुद करने की वजह से हम सिखा रहे हैं। तुम मिलाद वगैरह में जाती ग्लिटर वगैरह? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ये कौन सा स्टेला का है, कौन सा? नहीं ये मैक का, मैक का, मैक का ग्लिटर। ये तो मैं अभी जाके ना मैक पे, क्योंकि ये मैं जरूर उठाता हूँ कि ब्राइड्स के लिए बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा रहेगा, और मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा रहा, गिरता भी नहीं है। हाँ ये फायदा है, और देखिए ये लाइनर से पहले हो रहा है, लाइनर के बाद नहीं। जवेरा खुद जैसे जब मिलाद वगैरह में जाती तुम प्रॉपर मेकअप करती हो? हाँ हाँ, मैं तो तैयार होकर जाती हूँ पूरा, इतनी प्यारी पिक्चर्स आती हैं इसकी। लास्ट टाइम मैं गई थी, दो तीन मिलाद में गई थी, एक मेरी फैमिली में था, एक मेरी फ्रेंड के यहाँ था, और एक मेरी दोस्त जो वही मुराद की जो बेटी है आलिया मुराद, उनके घर पे था, तो उसमें मैं जूड़ा बना कर मेकअप करके मैं बड़ा अच्छा तैयार हो गई, प्रॉपर झुमके पहन कर आ जाए वापस। अच्छा जी, हाँ अब हम पतला सा एक लाइनर देंगे, बहुत पतला के ना होने के बराबर, क्योंकि आपने ग्लिटर दिए तो वो अगर ज्यादा मोटा देंगे लाइनर तो वो ग्लिटर ही छुप जाएगी और फोल्ड हो जाएगा उसके। हाँ बिल्कुल एक बारीक। अच्छा ग्लिटर जब लगाते तो लाइनर बहुत ब्लेंड भी नहीं करते ना? नहीं, क्योंकि देखिए आपने अगर ब्लेंड करना है, मतलब कोई वो नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर भी सकते आप कर सकते हैं, मगर लेकिन आप उतना लगाएं जितना खूबसूरत लगे ना चीज। ठीक है, अच्छा आप हम क्या कर सकते हैं कि अब क्या करें? मैं आपको बताता हूं, अभी हमारा आई मेकअप हो गया और हम अपने बेस वो करनी है ना।